जवाब नहीं तुम्हारे बड़े भाई साहब का, क्या सीन था? अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया था उन्होंने। कोई हंगामा नहीं, बस वो गुस्से में है। बिना किसी वजह के? गीता मेरी समझ में बात नहीं आती, वो सबको बच्चों की तरह क्यों ट्रीट करते हैं? उनकी उम्र बिल्कुल मेरी जितनी है। रंजन मैंने कहा ना वो गुस्से में है। गुस्सा ठीक है मगर किस बात पर? आई थिंक राधिका को वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था जो वो कर रही थी। अरे क्यों भला? दिस इज क्रेजी। मेरे हिसाब से वो बिल्कुल वही कर रही थी जो उसे करना चाहिए था, बस उसे पकड़ा नहीं जाना चाहिए था, और खास तौर से तुम्हारे उस नैरो माइंडेड भाई साहब के हाथों। भाई साहब नैरो माइंडेड नहीं है, नेवर। आई थिंक वो सही है। अच्छा मजाक कर लेती हो तुम गीता, कम ऑन यार। दो तीन दिनों में उस लड़की की शादी होने वाली है और उसी लड़के के साथ जिसके साथ वो पकड़ी गई। पहली बात, उसे छुप कर नहीं मिलना चाहिए था। खास तौर से जब उन्हें एक साथ जिंदगी बितानी है। अरे खुलेआम मिलते। रंजन तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? जब राधिका को पूरी जिंदगी अमित के साथ ही गुजारनी है तो फिर शादी से दो तीन दिन पहले इस तरह मिलने का मतलब क्या हुआ? और वैसे भी हे, अपने दिन भूल गई क्या? आई थिंक तुम भूल गए हो। मैं इस तरह तुमसे मिलने कभी नहीं आती थी और हम दोनों की एक बहुत ही डिसेंट अरेंज मैरिज हुई थी। रंजन तुमने मुझसे शादी इसलिए की थी क्योंकि मैं इस घर की लड़की थी, इस घर की, जिसे आज तुम नैरो माइंडेड तकियानू से कह रहे हो। वन मोर थिंग रंजन, अगर मैं बड़े माहौल में पली बड़ी होती तो तुम मेरे साथ सिर्फ घूमते फिरते, लंचेस पर ले जाते, डिनर्स खिलाते, शादी किसी और से करते। दिस इज रिडिकुलस लव। मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगी, या यू कह सकती हो आई फेल इन लव विद यू। और सच मानो गीता, अगर मैंने किसी ब्रॉड माइंडेड माहौल की लड़की से शादी की भी होती बाद तो में बात करेंगे। सॉरी मॉम, अगर आप लोग कोई प्राइवेट कॉन्वर्सेशन कर रहे थे तो हम लोग बाद में आए। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई प्राइवेट बातचीत यहां नहीं हो रही थी। इनफैक्ट तुम दोनों को भी यही होना चाहिए और मेरी बात को गौर से सुनना और समझना चाहिए। Come on, sit down. Well, तो क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि मर्दों में, और इसलिए नहीं कि वो मर्द है, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। अपने लिए कुछ और उसूल और औरतों के लिए कुछ और। बात क्या कर रहे थे डैड? Well, मैं ये कह रहा था मॉम से कि मैंने इनसे शादी इसलिए की क्योंकि मैं इनसे प्यार करने लगा था, और इसलिए नहीं कि ये एक सीधी सादी पुराने ख्यालों के खानदान से थी। और मैं उसे ये भी समझा रहा था कि अगर कहीं मैंने किसी ब्रॉड माइंडेड फैमिली की लड़की से प्यार किया होता तो भी मैं उसे छुप छुप कर नहीं मिलता, उसे भी मैं डेट्स पर ले जाता, घुमाता फिराता, फिर उसी से शादी करता। So, basically, इस कहानी की सीख ये है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे किसी एक लड़की के साथ घूमे फिरे और किसी और लड़की के साथ शादी करे। मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे सही मायनों में मर्द कहलाए। Are you done? Well, I think so. क्यों? Any comments? कोई विचार? मैं कुछ कहना चाहता हूं। हाँ, कहो। बड़े मामू बहुत ओल्ड फैशन है, आई मीन लंदन में रहते हैं लेकिन उनके ख्याल बिल्कुल किसी हिंदुस्तानी दादाजी की तरह है। I mean, he's so narrow minded. अपने मामा जी के बारे में ऐसे बात नहीं करते बेटे। और तुम उसके मामा के बारे में कुछ भी कह सकते हो। देखो तुम्हारे भाई मेरे उम्र के बराबर है लेकिन तुम्हारे बेटों के लिए नहीं। बड़ों के साथ किस तरह इज्जत से बात की जाती है ये इन्हें समझना चाहिए। बड़े आए थे हमारे साहबजादे राधिका को अमित से मिलाने। छेकते मारो।